आज इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA की समिति में सम्मिलित सभी देशवासियों आपको नमस्कार। जब इतिहासकार समकालीन कालखंड को इतिहास के पन्नों में लिखेंगे तो इसे दो भागों में बांटेंगे, कोविड के पूर्व का समय एवं उसके बाद का। 2020 सारे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस साल हमारे देखते देखते सारी दुनिया आचार विचार, मिलना जुलना, कार्य करने की, खरीदने एवं बेचने की शैली सब कुछ बदल गया। आज वर्क फ्रॉम होम कोई अनसुना शब्द नहीं रहा, बल्कि हर घर में प्रयोग होने लगा है। दुनिया के ना जाने कितने ऑफिस, कितने कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षा की भी यही वास्तविकता है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए देश के सारे शैक्षणिक केंद्रों में इंटरनेट के माध्यम से पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। छोटे एवं मध्यम कारोबार अपना कार्य बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। संक्षेप में सब कुछ बदल गया है और इस बदलती हुई तस्वीर को गति दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT। ऐसे प्रतिकूल समय में हमारा देश जरा सा विचलित नहीं हुआ और हमने बड़ी स्फूर्ति से अपने आप को बदली हुई परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व ने हम सबको एक अनूठा आत्मबल दिया। उन्होंने बार बार अपने संबोधन में यह आह्वान किया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमारे विकास की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रण को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत जैसी एक दूरदर्शी और विशाल संकल्प की घोषणा की। यह स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर भारत न केवल इस युग के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाले समय एवं पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। भारत के पास आज विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्याकीय लाभांश है एवं अनगिनत क्षेत्रों में असीमित संभावनाएं भी। इस आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत हम दुनिया के एक शक्तिशाली एवं अग्रणी देश बनकर अपनी पहचान विश्व पटल पर अंकित करने में पूर्णतया सक्षम होंगे। आत्मनिर्भर भारत ही इस संकल्पना को जमीन पर उतारने में इलेक्ट्रॉनिक्स व IT क्षेत्र की एक अहम भूमिका है। अस्पताल से स्कूल, शॉपिंग मॉल से बैंक, कृषि से रक्षा, अंतरिक्ष से स्मार्ट सिटी, ये समस्त कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर हमारी समग्र उन्नति एवं समृद्धि के पूरक है। किसानों की दुगुनी आय, सबके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए शिक्षा, शुद्ध पीने का पानी, ये सारे लक्ष्य इनके माध्यम से ही पूरे होंगे। आज के समय इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आशादायी और चुनौतियों से भरपूर है। इस गतिशील विश्व को और पास और बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा दायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन होने वाले प्रतिभाशाली अनुसंधानों की वजह से हमारा आत्मनिर्भर भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना निश्चित ही पूरा कर सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज भारत को कंपोनेंट उत्पादन से अधिक फाइनल प्रोडक्ट का उत्पादन करने की आवश्यकता है। आपको इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हमारा 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का संकल्प पूरा करने के लिए हम सब विश्वसनीय साथी, ट्रस्टेड पार्टनर की तरह काम करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM में अधिक से अधिक निवेश हो सके। चुनौती से भरा आज का ये समय और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मौका है।
आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार की तरफ से यह हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको अधिक से अधिक सहयोग करें, आपके साथ वार्ता करें और आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से लाभ उठाएं। विश्व पटल पर भारत की अग्रिम भूमिका करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रभावी फिस्कल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव ले आए। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और कंपोनेंट इंडस्ट्री सबसे अधिक आयात किए जाने वाली श्रेणी में आती है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में उपयोग होने वाली चिप का आयात देश के तेल आयात को पार कर जाएगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता सर्वोपरि है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विकास की गति भी देश की गति का फैसला करेगी। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के उपयोग से वंचित हो। आज इस मंच से आईएसए को आत्मनिर्भर भारत में सहयोग करने के लिए, जनमानस में एक चेतना लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस मंच से उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने एक्सपर्टीज को इस मंच पर सबके साथ साझा किया। आप समस्त श्रोताओं से, विशेष रूप से आईएसए जो इस क्षेत्र में अग्रणी है और जिन्हें इस क्षेत्र का व्यापक ज्ञान और अनुभव है, मेरा अनुरोध है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपना सहयोग दें और उसे सफल बनाने के लिए संकल्प करें। आपकी संस्था एवं समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री देश के लिए एक पूंजी है। आईटी और डिजिटल इकोनॉमी का सपना पूर्ण करने के में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि देश के इस मिशन में सक्रिय रूप से सहभागी बनकर